बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द व्हाट इज़ इन द नेम. हमने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स है ग्रीन कलर में, हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट करके साथ हमने टू क्वेश्चन आंसर करने हैं जो आप अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे. तो रीडिंग है क्योंकि हमने हीट, लाइट एंड टेम्परेचर का चैप्टर स्टार्ट किया था, यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसी उनमें जो हमने स्केल्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग है. द सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंड्रे सेल्सियस. के सेल्सियस स्केल जो है, इस स्केल का नेम किसकी मुनासबत से रखा गया, उस साइंटिस्ट की, स्वीडिश साइंटिस्ट की, जिसने स्वीडिश में यानी स्वीडन में रहता था वो साइंटिस्ट जिसने इसको ईजाद किया था. ही लिव्ड अबाउट 300 ईयर्स अगो एंड डिवेलप्ड द सेल्सियस स्केल वी यूज टूडे. आज जो सेल्सियस स्केल हम इस्तेमाल करते हैं, आज से 300 साल पहले इस साइंटिस्ट ने उसे बनाया था, ईजाद किया था. द फॉरनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ पॉलिश बॉर्न साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फॉरनहाइट हु ऑल्सो लिव्ड अबाउट 300 ईयर्स अगो. तो सेकेंड स्केल जो हमने फॉरनहाइट पढ़ा था, उसका नेम भी उसको बनाने वाले, उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है, जिसका नेम था डैनियल गैब्रियल फॉरनहाइट, उसके अपने नेम की निस्बत से इसका नेम भी रखा गया आज से 300 साल पहले. ही इन्वेंटेड अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर भी इसने इन्वेंट किया यानी डैनियल गैब्रियल फॉरनहाइट ने. एंड डिवेलप द फॉरनहाइट स्केल, और उसने फॉरनहाइट स्केल भी डिवेलप किया. तो इसके साथ जो क्वेश्चन आंसर आपने राइट करने हैं बहुत ही ईजी है. टू क्वेश्चन आंसर है, व्हाट थ्री स्केल्स आर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. हमने पढ़ा टेम्परेचर मेजर करने के लिए थ्री स्केल्स यूज होते हैं, अब उनके नेम क्या है ये आपका क्वेश्चन है. द थ्री स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर आर सेल्सियस, फॉरनहाइट एंड केल्विन. तो ये हो गया आपका बहुत सिंपल सा आंसर. हाउ डज अ थर्मोमीटर वर्क. थर्मोमीटर कैसे काम करता है. तो आंसर है इसका, एज द टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोमीटर इंक्रीजेज. क्योंकि जैसे जैसे थर्मोमीटर का टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत इंक्रीज होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बिगिन टू स्प्रेड आउट. लिक्विड में मौजूद मॉलिक्यूल, लिक्विड जो उस थर्मोमीटर के ग्लास में मौजूद होता है, उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिगिन यानी शुरू हो जाते हैं टू स्प्रेड आउट, फैलना, एंड टेक अप मोर स्पेस, और उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. दिस कॉज द लिक्विड टू मूव अप द थर्मामीटर टू फाइंड मोर रूम. इसकी वजह से वो लिक्विड मजीद मूवमेंट करता है और उसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है. द हॉटर द टेम्परेचर, दर्जा हरारत जितना गर्म होता है, द हायर द लिक्विड ट्रेवल्स अप द ट्यूब, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड जो है उस ट्यूब के अंदर मूवमेंट स्टार्ट कर देता है. स्टूडेंट्स, ये बात आपको इस तरह भी समझ आ जाएगी, आप थर्मामीटर आपने देखा होगा लास्टली, तो आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, ये घर पर भी रखे होते हैं कि आपको टेम्परेचर हुआ, आपकी मदर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके वो मुंह में रखते हैं थर्मामीटर. तो अगर आपका बुखार किस तरह चेक हो रहा है, बुखार का मतलब यही है ना कि आपका जो बॉडी है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्म होते हैं, तो आप अगर वो ज़्यादा गर्म हो गया, जैसे भी उस थर्मामीटर में मौजूद जो रेड कलर में वो लिक्विड जो मूव करता है, नंबर उसमें लगे होते हैं, वो जितना ऊपर आता है आपको पता चल जाता है जिस नंबर तक वो लाइन आई, जितना वो ज़्यादा स्पेस उसने कवर की मॉलिक्यूल्स ने, लिक्विड ने, उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर है. तो इसी तरह ही थर्मोमीटर वर्क करता है. उन्होंने क्वेश्चन भी हमसे यही किया था. यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं, इन्हें अच्छे से आपने रीड करना है, राइट करना है और रिमाइंड रखना है. नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. अल्लाह हाफिज़.